वायरिंग खा रखी चूहों ने, कबाड़ में जाएगी अभी। अरे एक मिनट इधर आना। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? और तुम्हें पता है ना मैं नहाने के बाद पूजा करता हूँ, तो क्यों बीच में चिल्ला चिल्ली कर रही हो? अबे बताओ क्या बात है? भाई साहब आपकी जो मशीन है खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ? जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे कपड़े तुम धोती हो, मशीन तुम चलाती हो, और खराब मेरी वजह से हो गई। कितनी बार तुमको कहा है कि चूहा दानी ले आओ, लो घुस गया चूहा, काट दी तार। क्यों भाई, कैसा मिस्त्री है तू? जब तुझे पता है इसकी तार कटी हुई है तो तार जोड़कर इसे चला क्यों नहीं देता तू? इसका ड्रेनिंग सिस्टम खराब है, टाइमर इसका चल नहीं रहा, ड्रायर इसका फूका पड़ा है, कैसे चला दू इसको? भाई साहब कबाड़ में जाएगी। अरे जब मशीन चली ही नहीं तो तुझे कैसे पता इतनी सारी चीजें खराब है इसमें? अरे भाई साहब भाभी जी ने बताई है, भाभी जी से पूछ रहे, झूठ बोल रहा हूँ तो? भाभी जी बताओ ना क्या क्या बताया आपने? लंका ढाए। क्या लंका ढाए, अम्मू खुलवा ही दिया है तो सुन लो। भाई साहब ये मशीन मैं अपने मायके से लेके आई थी, और एक चीज को 10 साल तक रगड़ोगे तो उसकी दुर्गति होगी कि नहीं? बात तो एकदम सही कह रही भाभी जी आप, पर वैसे एक बात बताऊं, बुरा ना मानो, कहीं से लगता नहीं आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं। अरे ज्यादा मक्खन मत लगा वरना टांग पे टांग रख के चीरूंगा। अरे इसमें मक्खन लगाने वाली कौन सी बात हो गई? जो बात सच है वो सच है। भाई साहब सच बात तो ये है, इस आदमी के कपड़े धोते धोते ना मेरे हाथों की लकीरें मिट गई है। अरे बढ़िया है मिट गई तो, वैसे भी कुछ खास था नहीं लकीरों में। कैसे होता, तुमसे जुड़ना जो लिखा था इनमें। अरे भाई साहब रुको, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखो बात दोनों में से किसी की भी हो, बदनामी तो इसी घर की होगी ना। अरे ठीक है तू ये बता इस मशीन में कोई गुंजाइश है नहीं? वो तो आप कबाड़िए को बुला लो, वो प्लास्टिक तोल के बता देगा कितने मिलेंगे कितने नहीं, जो सही लगे रख लेना, है ना भाभी जी? यही करना ठीक होगा, क्यों जी? हाँ ठीक है करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो भाभी जी मेरे पैसे दे देते। पैसे? हाँ जो मेरे विजिटिंग चार्ज है। विजिट? अरे भैया मशीन देखने के कौन पैसे लेता है? हमारे यहाँ जो राजू की स्त्री है ना, बेशक उसे 10 बार बुला लो, मजाल है कि एक अठन्नी भी मांग जाए। देखिए भाभी जी, पहली बात तो ये मैं राजू मिस्त्री हूँ नहीं, और दूसरी बात ये मैं अपने पैसे लिए बिना कहीं जाऊँगा नहीं। धमकी दे रहा है? हाँ भैया धमकी दे रहे हो क्या? अरे मैडम जी अपने पैसे मांगना आजकल धमकी कहते हैं क्या इसे? कितने पैसे तेरे? 2200 रुपए। क्या सिर्फ मशीन देखने के 2200? अरे भैया अगर आप इसमें कोई पुर्जा लगा देते तो आप तो इसका भी 5000 बना लेते। अरे मैडम 2200 रुपए किडनी थोड़ी मांग ली, आप तो बिल्कुल ही बिना सर पैर की बातें कर रहे हो। जो एप्लीकेशन में पैसे थे जिस पे आप एग्री हुए थे वही तो मांग रहा हूँ मैं। 500 रुपए दे दो उसे। 500 नहीं लूंगा, लूंगा तो पूरे 2200 लूंगा। अरे तुम तो आजकल की तरह गले ही पड़ गए हो, 500 रुपए लेने में क्या बुराई है? भाभी जी बात ना अच्छाई और बुराई की नहीं है, बात है उसूलों की, और जो मेरे पैसे बनते मैं वो लेके जाऊंगा, बस दिमाग का ना दही मत करो। अरे चल जा नहीं ये पैसे। क्या? अरे क्या क्या कर रहा है, क्या बोल दिया ना नहीं ये पैसे, चल नहीं पैसे। अरे लात मारेगा तू? मारूंगा लात, पैसे नहीं देगा तो। अरे डंडा कहाँ है, डंडा कहाँ है? तू मार खाए, तू सोले यही खड़ा रहे। ओए मेरी तरफ से ना दोनों मियां बीवी रख लो 2200 रुपए दान में दिए तुम्हें, भंडारा करा देना मोहल्ले में। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे क्या रोक रही, उसे रोक रहा था ना। जाने दो उसको, तुम मेरे साथ कपड़े धुलवाओ। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी कपड़े नहीं धोता, जा रहा हूँ मैं पूजा करने। तो ठीक है फिर, रह तो कपड़े गंदे, मैं भी देखती हूँ तुम धुले हुए कपड़े कैसे पहनते हो। या इस घर में नई मशीन आएगी या तुम मेरे साथ कपड़े धुलवाओगे। इस मशीन से तो मैं हर चीज करके रहूंगी।